जी मैं हूं चौधरी और ये हैं शुक्ला जी। हम व्यापारी हैं, हम गांव-गांव जाके किसानों से सीधे उनके उपज को खरीदते हैं, फिर उस उपज को नगर के दुकानदारों को बेचते हैं ताकि किसानों को मंडी जाकर अपने उपज बेचने से मुक्ति मिल सके। इस सौदे की खासियत ये है सरकार, हम किसानों को ये आश्वासन देते हैं कि उनकी उपज जो भी हो लेकिन उन्हें हम एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। उससे लाभ ये होगा कि अगर किसी साल फसल ज्यादा हो जाती है और अनाज के दाम कम हो जाते हैं तो किसानों को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें वही राशि मिलेगी। कौन सी? जो हम पहले से तय कर चुके हैं। कौन किसे फसल बेचता है और किसे कितने पैसे मिलते हैं इसमें कुलकर्णी सरकार को कोई रुचि नहीं है। आप मुझसे क्या चाहते हैं वो बताइए। सहयोग, समर्थन, साझेदारी। लोग कहते हैं कि कुलकर्णी सरकार फायदे का सौदा करते हैं और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसानों का फायदा हो या ना हो परंतु आप हमेशा फायदे में रहेंगे। ये केवल बातें ही है या तर्क भी है इस प्रस्ताव के पीछे? हम इस क्षेत्र के सभी गांव से अनाज खरीदने की योजना बना रहे हैं। उससे होगा ये कि सारा अनाज हमारे अधिकार में आ जाएंगे और फिर उस अनाज को किस भाव में बेचना है वो हम तय करेंगे। दुकानदारों को वही भाव देकर हमसे अनाज खरीदना होगा जिस भाव में हम अनाज बेचेंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि हमारे अलावा किसी के पास और अनाज होगा ही नहीं। आप केवल कल्पना कीजिए सरकार, हम किसानों से कम मूल्य पर अनाज खरीदेंगे और अधिक मूल्य पर दुकानदारों को बेचेंगे, मतलब हमें फायदा ही फायदा होगा। आप शिरडी के मुखिया हैं, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। अगर आप यहाँ के किसानों को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी फसल हमें ही बेचें, तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आपको बराबर मिलता रहे। कितने लाभ की बात कर रहे हैं आप? ये नजराना आपके लिए है सरकार, और केवल ये ही नहीं, ये लीजिए सरकार, ऐसा कपड़ा है ये, इतना मुलायम और इसकी बुनावट तो देखिए, क्या है ये? टेरिकॉटा, ब्रिटेन से आयात किया गया है। बहुत महंगा होगा। बंबई में इक्का दुक्का लोग ही हैं जो इसे खरीदने की औकात रखते हैं, लेकिन हमें फोकट में मिलता है। फोकट में? कैसे? सरकार, हमने कुछ गांवों को किसानों को पैसे दे रखे हैं कपास उगाने के लिए। आपको तो मालूम ही होगा कि हिंदुस्तानी दुकानदारों को कपास बेचने पर प्रतिबंध है क्योंकि कपास सीधा ब्रिटेन जाता है वहां के कपड़ा मिलों में। सच कहूं तो और फसलों के तुलना में कपास की पैदावार पर 10 गुना का मुनाफा है। 10 गुना क्योंकि हम ही कपास का निर्यात करते हैं तो अक्सर ब्रिटेन की कपड़ा मिलों से ऐसे उपहार आते रहते हैं।
अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये लोग आपसे पहले आए हैं, चलिए कतार में लगिए। कतार में रुका तो बहुत वक्त चला जाएगा, मेरा साई से मिलना बहुत जरूरी है। बहुत दूर से आया हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। कृपा करके मुझे अंदर जाने दीजिए। सच में साई से मिलने के बाद मुझे मेरी बीमार पत्नी के पास भी लौटना है। ठीक है, मैं साई से बात करती हूँ। नहीं जिबरी, क्या ये लोग मूर्ख हैं जो इतनी देर से पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन तात्या, उनकी पत्नी बीमार। सभी को यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी है, और हर इंसान के लिए उसकी परेशानी बड़ी ही होती है। दुख भरी कहानियाँ सुनाकर अपना काम जल्दी से करा लेने की लोगों की आदत होती है। नहीं बेटा, बेटा मुझ पे भरोसा करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये बेटा बेटा कहने से मैं पिघल नहीं जाऊंगा। नियम नियम होता है, साई से मिलना तो कतार में आइए। हरिओम हरिओम। अगर कपास में 10 गुना लाभ है तो हम शिरडी के लोगों को कपास उगाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? सरकार कपास की खेती बहुत अधिक पानी मांगती है और शिरडी में इतना पानी नहीं है। उसकी चिंता आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्रा जी। शिरडी में जितना पानी है उतना कपास के खेती में लगा देंगे, उसमें क्या है। दस गुना लाभ सोच लीजिए सरकार, बाद में दिक्कत आप ही को होगी, क्योंकि कपास की खेती से गांव में पानी की कमी हो जाएगी, लोगों को तकलीफ होगी, और यहां तक कि पीने का पानी मिलने में भी मुश्किल आ सकती है। मुझे क्या, मेरे पास तो निजी कुआं है। बाद की चिंता बाद में करते हैं, पहले ये बताइए इसमें मुझे कितना मुनाफा होगा। सरकार अगर आप ये कर सकें तो हजारों में खेलेंगे, तिजोरियां भी कम पड़ जाएंगी आपकी। अंता बंता। जी सरकार। अभी के अभी शिरडी के सभी किसानों को चावड़ी पे उपस्थित होने का आदेश दो, और सुनो उस अप्पा पाटिल को मत बुलाना। जी सरकार। जी सरकार। आपसे एक सहयोग चाहिए था। मेरी बात समझ नहीं आती आपको? मना किया था ना? मना किया था या नहीं? मजाक हो रहा है क्या यहाँ? नियम समझ नहीं आता है? जाइए, जाकर अपनी कतार में खड़े होइए, वरना यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तात्या, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम उन पर इतना गुस्सा हो रहे हो। शांत हो जाओ। नहीं हो सकता शांत, जब कहा था इन्हें कतार में खड़े होइए तो चलाकी क्यों की? बेवकूफ हूँ क्या मैं? सच कह रहा हूँ, दोबारा इन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो ना ही साई से मिलने दूंगा बल्कि बाहर भी निकाल दूंगा। तात्या, न द्वारका माई से किसी को निकाला गया है
और न ही कभी निकाला जाएगा। ये लीजिए। इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी साईं, शुक्रिया। राम जी भला करें। हरिओम हरिओम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूँ। अब आपके दुख के दिन बीतने वाले हैं। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि कुलकर्णी सरकार ये क्या कह रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ वर्षों से, लेकिन आप लोगों के जीवन में अब मैं परिवर्तन लाने जा रहा हूं। अब से आप लोगों को अपनी उपज लेकर मंडी जाना नहीं पड़ेगा। वहां जाकर खरीदार से मोल भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कार्य आप लोगों के पक्ष में ये दोनों महोदय करेंगे। ये है माननीय चौधरी जी और वो है माननीय शुक्ला जी। इन्होंने भी अपनी शुरुआत आप जैसे निर्धन किसान के रूप में की थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर ये सफल हुए और आप लोगों के सामने आज ये बड़े व्यापारी बन के बैठे हैं। ये लोग गांव-गांव जाकर वहां के किसानों को उनकी उपज उचित मूल्य में बेचने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी किसान का बच्चा भूखा ना सोए। अब आप लोगों की फसलों को ये लोग खरीदेंगे और पैसों का भुगतान भी अग्रिम कर देंगे। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों ने मुझे जब उनकी योजना समझा दी, तब मैंने निश्चय किया कि मेरी फसल मैं इन्हें दूंगा और सुविधा का पूरा लाभ उठाऊंगा। हरिओम। पता नहीं इस बार सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि जब जब वो हमारे हित की बात करते हैं, तब तब हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। चोर चोर मोसेरे भाई, अगर कोई आदमी सरकार के साथ खड़ा है तो वो ईमानदार तो हो ही नहीं सकता। इतिहास है, सरकार ने अगर किसी की भलाई की बात सोची है ना, तो वो सिर्फ खुद की। तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए तात्या। ऋषि जमदग्नि के बारे में जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, वो तुम्हें याद रहनी चाहिए थी। गुस्सा कैसे नहीं आएगा साईं? उन लोगों को कितनी बार समझाया, अच्छे से समझाया, लेकिन शराफत से सुनने लगे लोग, तो आज बात ही कुछ और होती। बातें लेकिन पर तात्या, तुम तो ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हो, यहाँ तक कि अपनी बात के आगे किसी और की बात सुनना तक नहीं चाहते। साई, अब तुम ही समझाओ इसे। कई दिनों से देख रही हूं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है ये। आज ही यहां आने से कुछ देर पहले ही हमारे सबसे पुराने कर्मचारी पर भड़क रहा था। तात्या,
साईं, क्या हुआ? तात्या, महासभापति जी घर गए हैं। उन्हें लेकर जल्दी से जल्दी चावड़ी पहुंचो। जाओ। जी। साईं, क्या बात है साईं? आप मेरे साथ आइए। सरकार, माफ कीजिएगा, पर फसल के दाम पहले से ही दे देना, कोई इतना कुछ किसी के लिए क्यों करेगा? बदले में उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना? किसी को किसान से क्या चाहिए होता है सलीम? फसल? इन्हें भी वही चाहिए आप लोगों से, कपास की फसल। लेकिन सरकार, हमने तो पहले ही खरीफ के फसल के बीज खरीद रखे हैं, और इससे पहले गांव वालों ने कभी कपास की खेती भी नहीं की है, कहीं कोई ऊंची नीच हो गई तो? मेरे मन में भी यही प्रश्न आया था, लेकिन शुक्ला जी ने और चौधरी जी ने इस किसान से मुझे मिलवाया। इसकी राम कहानी इसके मुंह से सुन लो आप लोग और फिर निर्णय करना। भाइयों, पहले मैं भी अनाज की खेती करता था और हर वक्त कर्जे में डूबा रहता था। एक बार तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि मेरी जमीन ही बिक जाएगी। तभी भगवान का आशीर्वाद बनकर मुझे चौधरी जी और शुक्ला जी मिल गए। इन्होंने मुझे कपास की खेती करने की सलाह दी। शुरू शुरू में तो मैं भी आप ही की तरह हिचक रहा था। एक तरफ कपास की खेती थी और दूसरी तरफ जमीन जाने का डर। मैंने कपास को चुना, और सच बताऊं भाइयों, कपास की खेती मेरे लिए वरदान साबित हुई। हर साल मैं कपास उगाता रहा और हर साल चौधरी जी और शुक्ला जी मुझे अग्रिम भुगतान करते रहे। अनाज से दो गुना ज्यादा दाम मिलता रहा मुझे, और देखिए आज मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि मैंने और भी जमीन खरीदी है ताकि उसके ऊपर मैं और भी कपास उपजा सकूं। अब तो विश्वास हुआ ना आप लोगों को? अब बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग, कपास और विकास या अनाज और ऋण? साईं, बताया था ना पाटिल को नहीं बुलाना है। सरकार, हमने नहीं बुलाया। आइए आइए पाटिल जी, आइए। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पधारे। सुनिए सुनिए, आप भी सुन लीजिए, यहाँ जो हो रहा है उसमें आपका भी बहुत लाभ है। लाभ? और ये लोग हमें कपास की खेती करने के लिए बोल रहे हैं। कपास? हाँ, मुझे कुलकर्णी सरकार की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने सारे किसानों को बुलाया पर आपको नहीं बुलाया। अब्बा जी, दाल में जरूर कुछ काला है। कपास की खेती शिरडी के किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट होगा।
गांव के लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं अब्बा जी। सरकार, मुझे नहीं लगता कि कपास की खेती फायदेमंद सिद्ध होगी। पहली बात तो यह है कि हम सब ने खरीफ के फसल के बीज पहले से खरीद लिए हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए, कपास के बीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि कपास की खेती के लिए कितना पानी लगता है। हमारी श्रेणी में पानी का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। अरे पाटिल साहब, बस ये समझिए कि आज से आपकी समस्या आपकी नहीं, हमारी है। पानी की व्यवस्था भी हम कर देंगे। अच्छा, तो आप हमें समझाइए कि यह पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? हमारी श्रेणी में कोई नदी नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको जानते भी नहीं है। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके हम इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हैं? आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन सबके लिए बोलने वाले आप होते कौन है? और मेरे बाबा से इस तरह बात करने वाले आप कौन होते हैं? तात्या शांत। नहीं बाबा, कैसे शांत रहूं? ये होते कौन है आपसे बदतमीजी से बात करने वाले? कोई बाहरी आदमी आके आपसे बदतमीजी से बात करेगा और मैं देखता रहूं? हमारा परिवार पीढ़ियों से शीडी का पाटिल रहा है और आज भी मेरे पापा शीडी के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। वो भी किसी पद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं। इस गांव के लोगों का उन पर इतना विश्वास है कि उनकी कई बात पत्थर की लकीर है। मैं ना आपको ना आपके। तात्या शांत, शांत हो जाओ तात्या। मेरे बेटे ने जो व्यवहार किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि आपके कपास का प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन वो हमारे शिरडी के किसानों के लिए नहीं है। हमारे गांव में सूखा पड़ जाएगा और क्या फायदा ऐसे मुनाफे का जब हमारे पास पीने के लिए पानी ही ना हो। चंद पैसों के लिए ऐसा करना मूर्खता होगी। नहीं, यदि यहां मैंने अपना आपा खो दिया तो गांव वालों का संदेह हो जाएगा कि इसमें मेरा भी कोई हित है, लाभ है। हाथ आए इस सुनहरे अवसर को मैं खोने नहीं दूंगा। हरिओम हरिओम। ठीक है ठीक है, जो पाटिल जी कहे जैसा आपको उचित लगे कीजिए। यहां आने से पहले मैं बही खाता देख रहा था और यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से अधिकतम लोगों ने मुझसे बड़े बड़े ऋण ले रखे हैं। उन्हें चुकाने के लिए केवल आपका जीवन नहीं बल्कि आपके आने वाले पीढ़ियों का भी जीवन बीत जाएगा। मुनीम जी। सरकार, यहां लगभग वो सभी किसान हैं जिन्होंने मुझसे ऋण ले रखे हैं।
जरा इन्हें बताओ कि इस गति से ये भुगतान करते रहे तो ऋण से मुक्त होने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा? जी सरकार, अभी बताता हूँ। हरी बहू, 17 रुपए, 6 साल। खंडू, 18 रुपए, 8 साल। मेरे ऋण में आप लोग यहां तक डूबे हुए हो, यहां तक। अच्छा अवसर दे रहा हूं, उसे छोड़ रहे हो। फिर से एक बार सोच लो। कपास के खेती के कारण पानी की कमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, केवल एक संभावना है। लेकिन मुझसे लिया ऋण वास्तविकता है। एक दिन का समय और देता हूं। जिन्हें भी कपास के खेती के लिए पंजीकरण कराना हो वो कर आ जाए। हरि ओम। देखा ना बाबा, आज जरा सी आवाज ऊंची की तो कुलकर्णी सरकार भी चुप हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक हम गुस्सा नहीं करते तब तक कोई हमारी बात नहीं सुनता। साई, साई पता नहीं तात्या को इन दिनों क्या हो गया है, बात बात पर गुस्सा करने लगा है। आप तो सबकी समस्या दूर करते हैं, हम भी बड़ी आस लेकर आए हैं। बताइए सुमति, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? साई, मेरी समस्या इनकी ईमानदारी है। अपनी सच्चाई और आदर्शों के चक्कर में ये खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। खुद को राजा हरिश्चंद समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से है लकड़हारा। इस रोजगार में हमारी आमदनी नहीं होती थी, इसलिए बीच में हमने सोचा कि क्यों ना एक गाय खरीद ली जाए। दूध बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएंगे। कर्ज लेकर गाय ले ली, लेकिन हमारी बदनसीबी वो बीमार गाय थी। वो गाय तो चल बसी, लेकिन अब हालात ऐसी है जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो भी साहूकार की किस्त में चली जाती है। मुझसे क्या अपेक्षा है? साईं, मेरे पति को दुनियादारी की समझ की जरूरत है। इन्हें होशियार बना दीजिए। इस संसार में जहाँ लोग कुछ भी करके पैसा कमाते हैं, दूसरे को धोखा देकर, झूठ बोलकर, फरेब करके, जैसे हमें बीमार गाय बेचकर उस धूर्त ने की, आजकल ऐसे ही लोग फलते फूलते हैं। लेकिन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। साईं, मैं कौन सा इन्हें चोरी करने के लिए कह रही हूँ, मगर इस संसार में जीने लायक तो अकल होनी चाहिए। दूसरे लकड़हारे पीपल की लकड़ी को सागवान और शीशम की बताकर बेच देते हैं, लेकिन ये सारा दिन जंगल में खाक छानते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि कहीं सूखी लकड़ी मिले, और इस चक्कर में इन्हें कम लकड़ियां मिलती है। और तो और, बड़े को लकड़ी देंगे तो वो भी अच्छी किस्म की, ताकि जो भी सामान बने टिकाऊ बने। इतना क्या सोचना, सामान खराब होगा तो उनका होगा, वो दोबारा बनवाएंगे और फिर लकड़ी लगेगी और फिर अपनी ही आमदनी बढ़ेगी ना। दत्ताराम जी अच्छी लकड़ी लाकर देते हैं, इसीलिए सारे बड़ा ही इन पर भरोसा करते हैं।
आंख मूंद कर विश्वास करते हैं इन पर, और मैं तो ईमानदारी और मेहनत का ही समर्थक हूं, इसलिए इन्हीं की बात कहूंगा। उससे क्या फायदा हुआ साई? ये इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अगर इन्हें कड़ी मेहनत का फल मिला होता तो अब तक हम लोग समृद्ध हो चुके होते। और वो बड़े मेरे पति पर भरोसा करता है, लेकिन उस भरोसे का क्या? उस भरोसे के अतिरिक्त पैसे तो नहीं देता ना, फिर किस काम की है ये ईमानदारी? बीज से फल की यात्रा में समय तो लगता ही है, श्रद्धा और सबूरी रखिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा।